बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बाज़ार जैसा खोया घर में कैसे तैयार करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। कढ़ाई में 3 लीटर दूध डाला है। इसको 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर उबालेंगे। जब तक इसमें उबाल ना जाए हाई फ्लेम रख, जैसे ही उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पर उबालेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। मिल्क अब खोए के फार्म में आना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे जो सबसे अहम बात और जो समझने वाली बात है वो ये है कि अब यहाँ पे मुसलसल हमने चम्मच चलाते रहना है जिससे खोया ना जले, और फ्लेम की केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, ना ही ऑयल डालना है, ना मक्खन डालना है, ना ही इसमें क्रीम डालनी है, कुछ नहीं डालना। ऐसे ही इसको हमने पकाना है। अब देखें इसके ऊपर खुद ही ऑयल आना शुरू हो गया और इसमें दाने बनने शुरू हो गए। अभी इसकी मज़ीद पकाई होगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खोए की कंसिस्टेंसी चेक करें। अब फ्लेम ऑफ कर दें। खोया मज़ीद ठंडा हो जाने के बाद भी हार्ड होगा। अब इसको ठंडा करने के लिए किसी बर्तन में निकाल लें, और ठंडा हो जाने के बाद देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी, और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त किस्म का खोया घर पे ही तैयार किया है हमने। बहुत ही आसान रेसिपी है। ये देखें ऑयली भी है, सॉफ्ट भी है, लेकिन अभी थोड़ा ठंडा नहीं हुआ है। मज़ीद ठंडा हो जाने के बाद इसने और मज़ीद हार्ड हो जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।